हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अदर्स कॉर्नर। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि हम अपने पिगमेंटेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, बहुत जल्दी कैसे ठीक कर सकते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि ये पिगमेंटेशन होता क्या है और ये पिगमेंटेशन क्यों होता है हमारे हमारे फेस पे या फिर हमारी बॉडी पे। तो गाइज देखिए, पिगमेंटेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है। फर्स्ट जो होता है हाइपरपिगमेंटेशन। हाइपरपिगमेंटेशन क्या होता है? हाइपरपिगमेंटेशन होता है कि जो हमारे फेस पे एक लेयर हो जाती है जो कि हमारे स्किन कलर से डार्क कलर की होती है, जो कि अलग से काले काले स्पॉट दिखाई देते हैं, और ये मोस्टली हमारे गालों पे या फिर नाक पे या फिर हमारी चिन एरिया में हो जाता है। और मोस्टली हमने देखा है कि ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। जिस टाइम पर आपकी डिलीवरी होनी होती है या फिर आप फीडिंग करा रहे होते हैं बच्चे को, तो उस टाइम पर ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है कि हमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। सेकंड होता है गाइज हाइपोपिगमेंटेशन। वो क्या होता है? हाइपोपिगमेंटेशन होता है कि हमारी स्किन पे हमारे स्किन कलर से थोड़ा लाइट स्पॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, कई बार तो ये थोड़ा सीरियस हो जाता है कि कई बार क्या होता है कि ये जो हमारी स्किन से लाइट कलर के जो स्पॉट बन जाते हैं वो कई बार सफ़ेद दाग भी हो सकते हैं। तो लेकिन कई बार ये होता है कि छोटे बच्चों में पाया जाता है कि जैसे कि उनका पेट वगैरह ख़राब हो जाता है, तो उस टाइम पे छोटे छोटे बच्चों के फेस पे छोटे छोटे स्पॉट्स हो जाते हैं जो कि हमारी स्किन कलर से थोड़े लाइट होते हैं। तो गाइज़ देखिए, सब अब हम जान लेते हैं यहाँ पे कि इस रेमेडी को हमें कैसे बनाना है। और हाँ गाइज़, बता दूँ कि अगर आपको हाइपरपिगमेंटेशन है या फिर आपको हाइपोपिगमेंटेशन है, तो ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है ये रेमेडी। आप दोनों तरीके से, अगर आपको दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर क्यूकम्बर चाहिए होगा, यानी कि खीरा। और खीरा को मैंने यहाँ पर आधा लिया हुआ है और मैं इसे बना रही हूँ 8 दिन के लिए क्वान्टिटी। और क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या फिर ज़्यादा। और आपको बता दूं कि इसे हम 8 से 10 दिन के लिए बना के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। ये यहाँ पे एक लिक्विड फॉर्म में, जेल फॉर्म में बन के रेडी होगा और जिसे हमें डेली लगाना है अपने फेस पे। तो अभी बनाना कैसे है इसे, हमें सबसे पहले थोड़ा सा ले लेना है क्यूकम्बर। मैंने यहाँ पर आधा लिया हुआ है, एक मीडियम साइज़ का क्यूकम्बर था जिसे मैंने यहाँ पर आधा लिया है। देन उसके बाद में मेरे घर पे एलोवेरा प्लांट था तो मैंने लीव ले लिया। अगर आपके पास में लीव नहीं है तो आप मार्केट से भी जो एलोवेरा आता है जेल फोम में, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इन दोनों को मैंने काटने के बाद में एक मिक्सी के जार में अच्छे से इनका जो है जेल बना लिया है। इसी तरीके से आपको बनाना है। और हाँ, इसे थोड़ा अच्छे तरीके से आपको ग्राइंड करना है, इसे हमें छलनी में छानना नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो जेल है ये बन के रेडी हो गया है। अगर आप कोई भी ऑयल यूज करते हैं अपने फेस के लिए, सीरम यूज़ करते हैं, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे कोई ऑयल या कोई सीरम इसमें नहीं यूज किया हुआ है, मैं इसे ऐसे ही लगाऊंगी। तो देखिए, ये तो बनके यहाँ पे रेडी हो गया है किस तरीके से, और ये इतना अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, पिगमेंटेशन जो होता है वो क्यों हो जाता है हमारे फेस पे? पिगमेंटेशन जो होता है वो हमारे फेस पे इसलिए हो जाता है कि हमारा जो मेलानिन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि हमारे फेस पे एक दूसरी लेयर आ जाती है जिसे पिगमेंटेशन बोलते हैं। कई बार वो डार्क भी हो सकती है, कई बार वो लाइट भी हो सकती है, और मोस्टली हमने देखा है कि ये औरतों में ज़्यादा पाया जाता है। तो आप इसे दिन में 2 बार लगाएंगे, जब आप सुबह उठते हैं तो उस टाइम आपको अपने फेस पे से लगाना है, फेस को सुबह उठने के बाद में अपने फेस को वॉश करना है और उसके बाद में इसे अप्लाई कर लेना है। और उसके बाद अपने फेस पे इसे लगाने के बाद में अपने फेस को वॉश नहीं करना है। जैसे आप क्रीम यूज़ करते हैं सेम उसी तरीके से आपको इसे लगा लेना है। सेम रात को लगाना है कि अगर आपने मेकअप किया हुआ है तो अपने मेकअप को रिमूव करके अच्छे से, और सोते समय आप इसे लगाएं अपने फेस पे, और अपने फेस को वॉश नहीं करना है इसे लगाने के बाद में। मैं आपको बार बार बता रही हूँ गाइस, अपने फेस को वॉश नहीं करना है, और ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो इसी तरीके से इसे आपको लगाना है। अगर इफेक्टिव होता है आपको तो प्लीज़ मेरे साथ इसका फीडबैक ज़रूर शेयर करें, आपको 100% इसका जो रिज़ल्ट है वो मिलने वाला है। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर से इस रेमेडी को आप फॉलो करने वाले हैं, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर करें जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। गाइस देखिए, कई बार लोगों को धूप में निकलने से भी ये पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है वो हो जाती है, जो कि हम धूप में जाते हैं तो हमारे फेस पे काली लेयर हो जाती है और वो धीरे धीरे करके पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि स्पॉट स्पॉट से बन जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।